हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्लांट ऑन टेरेस पर। तो आज मेरे जो टेरेस पर प्लांट्स लगे हुए हैं उसका मैं अपडेट देने वाली हूँ या ओवरव्यू देने वाली हूँ कि मैंने जो प्लांट्स लगाए हैं उसकी कैसी कंडीशन है, जो मैंने प्लांट्स लगाए हैं या न्यू कटिंग्स लगाई हैं उसकी रिपोर्टिंग की है, या जो भी पुराने प्लांट्स हैं उसकी भी रिपोर्टिंग की थी। तो जितने भी प्लांट्स हैं उस सबकी कैसी ग्रोथ हो रही है, तो ये अभी सुबह का टाइम है तो मैं तो हिबिस्कस प्लांट तो शाम तक स्पेंड हो जाता है, तो मैं सारे हिबिस्कस प्लांट अपने पूजा के लिए तोड़ लेती हूँ। तो अभी कुछ एक जो मैं ज़्यादा हो जाता है तो मैं छोड़ देती हूँ। तो ये सब अभी प्लांट्स इस तरीके से चल रहे हैं। और कुछ एक ये मैरीगोल्ड के मैंने ऐसे सीड्स डाल दिए थे तो ये इस तरीके से निकले हैं, उसमें अभी छोटी छोटी फ्लावरिंग हो रही है। ये एक्सोरा की, इसकी रिपोर्टिंग भी मैंने की थी, तो इसकी ग्रोथ देख रहे हैं आप कितनी अच्छी हो रही है। पिंचिंग भी मैंने की थी, तो ये एक ही ब्रांच में दो तीन इसकी जो देख रहे हैं आप ये निकल रही हैं, और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होने लगी है। आप देख रहे हैं ये इस तरीके से बन रही है। तो चलिए मैं वही दिखाने वाली हूँ। और ये एक प्लांट मैंने न्यू बाय किया था, ये इंडोर प्लांट है, तो मैंने इसकी भी रिपोर्टिंग की है छोटे से भी प्लांटर में। तो मैं बस इसे इंडोर रखने वाली हूँ, तो वो जो मेरा स्टैंड होता है उसमें इसे डाल देने वाली हूँ। तो इसकी भी आप देख रहे हैं ये ग्रोथ हो रही है। और ये बैकबोन डेविल बैकबोन प्लांट कहते हैं शायद इसे, तो इसे मैंने पानी में ग्रो किया था। और आप इसकी रूटिंग देख सकते हैं, ये मुझे लगाए हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी लीफ भी, इसमें इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर भी निकलते हैं। तो इसे हेज बनाने के भी काम आता है, अपने अगर ज़मीन में लगाया हुआ प्लांट है तो इसे आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या ये कटिंग से भी आसानी से लग जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये, तो आप इसे इस तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं मेरा, ये जो मैंने अडेनियम की कटिंग लगाई हुई है इस पर भी ये देख रहे हैं ग्रोथ हो रही है न्यू, दो तीन कटिंग मैंने लगाई हुई थी। और इसमें एक ये पिंक वाले एक्सोरिया की भी कटिंग लगाई हुई है मैंने, तो इसमें भी देखिए छोटी सी सही ये प्लांट है और इसकी रूटिंग अच्छी हो गई है। तो ये इसमें दो तीन देख रहे हैं आप ब्रांचेस निकल रही है और फ्लावरिंग भी होने वाली है। अब ये देख रहे हैं इसकी जो कलियाँ बनने लगी हैं। और ये सब कटिंग भी मैंने बाद से लगाया हुआ था, ये मरून कलर का ही इसमें फ्लावर खिलता है, ये पहले भी मैंने दिखाया हुआ है। तो ये हर साल मेरे से क्या होता है कि ये जो मेरा मदर प्लांट होता है वो डेड हो जाता है, तो मैंने तभी ही पहले ही इसकी कटिंग लेकर दो तीन कटिंग्स लगा दी थी। और आप देख रहे हैं सारी कटिंग्स नहीं चल गई हैं, ये है एक ये प्लांट है। तो बहुत सारी मैंने इसी तरीके से इसकी कटिंग लगाई हुई थी, तो प्लांट मेरा ये बच जाता है। और एक न्यू प्लांट ये लिया था, तो इसकी लीव्स तो डेड होने लगी थी लेकिन फिर भी मैंने इसे छोड़ दिया था। और आप देख रहे हैं इसमें यहाँ नीचे से इसकी नी सूट स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है ये मेरा प्लांट बच गया है। कभी आपको ऐसा लगे तो आप इसे तुरंत निकाल कर मत फेंकिए, मैंने ऐसा ही किया था, मुझे लग रहा था ये नहीं बचेगा फिर भी मैंने इसे छोड़ दिया था। उसमें से आप देख रहे हैं ये दो तीन सूट्स भी निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये मेरा प्लांट बच जाएगा। तो अभी कोलियस में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और एक मैंने यहाँ मनी प्लांट भी आपको ये दिखाया था, मैंने पानी में ही इसकी जो कटिंग हुई थी वो ग्रो की थी, और अब इसमें न्यू सूट्स निकल रही हैं। आप देख रहे हैं ये न्यू सी सारी ये ग्रोथ हो रही है, मैंने इसे हैंग करने के लिए इसमें लगाया हुआ था, तो जब इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तो मैं इसे हैंग कर दूँगी। और अभी भी कुछ एक जो प्लांट्स हैं वो क्रिसेंथेमम के थोड़े हार्डी होते हैं, तो ये मैंने बहुत सारे जगह लगाया हुआ है, तो इसमें से दो तीन में से इस टाइप से कलियाँ बन रही है, तो मैंने छोड़ दिया है इसी तरीके से, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप इसे अभी इसकी फ्लावरिंग लोगे तो ये प्लांट डेड हो जाएगा। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कटिंग्स मैंने लगाए थे, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो एक दो को मैंने फ्लावरिंग के लिए छोड़ दिया है और सब की मैंने इस तरीके से कटिंग कर दी और इसे जो शेडी एरिया है वहाँ पर रख दिया हुआ है। इसमें मैंने एक बैम्बू की प्लांट की कटिंग लगाई हुई है, ये भी अच्छी ग्रोथ पे है। कुछ एक यहाँ भी आप देख रहे हैं, ये चंपा का प्लांट है, प्लूमेरिया, जो खुशबू वाला प्लांट होता है, एक
एक नाग चंपा होता है जो उसमें खुशबू नहीं होती है, लेकिन ये वाला प्लांट में थोड़ा उसके फ्लावर जो होते हैं उसमें खुशबू होती है। तो ये मैंने इसकी कटिंग लगाई है और इसमें भी देख रहे हैं ग्रोथ हो रही है। ये देखिए प्लांट है, इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इस टाइम पे सारे प्लांट पे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये भी, इसकी भी मैंने रिपोर्टिंग की थी। ये भी स्पाइडर प्लांट है, वेरीगेटेड वेराइटी वाली। तो इसमें भी इस तरीके से ग्रोथ हो रही है, देख रहे हैं आप। और कुछ डेंथस भी मैंने साइड शेडी एरिया में रखा है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो ये भी अच्छे तरीके से भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। इसमें दो तीन वेराइटी है, ये अलग है, ये वाली अलग है और ये वाली अलग है। ये गजेरिया में भी अच्छी अभी फ्लावरिंग हो रही है। इधर मैंने पिटूनिया लगाया हुआ है। ये रोज प्लांट है, मैंने इसकी कटिंग की थी, प्रूनिंग की थी, तो देख रहे हैं अपनी न्यू ग्रोथ बहुत सारी हो रही है और इसमें बंचेस में स्टेज से फ्लावरिंग होती है। यहाँ भी इस तरीके से एक ही बंच में पांच छह होती है, तो मैंने फ्लावर जब स्पेंड हो जाते हैं तो मैं हटा देती हूँ, जिससे इसकी न्यू जो ग्रोथ है वो हो सके। ये इसका ग्रोथ पॉइंट है, तो नए नए जो ब्रांचेस है वो निकलती हैं। ये मेरा पिछले साल का ये अपराजिता प्लांट है, इसमें भी अभी अच्छी फ्लावरिंग हुई। जितने भी सारे प्लांट है सब में अभी ग्रोथ जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। समर का तो अच्छी फ्लावरिंग करता ही है हिबिस्कस, तो ये भी अच्छी ग्रोथ पे है अभी। और कुछ एक देखिए आप, बहुत सारे चिली की के प्लांट्स लगाए हुए थे मैंने, तो उसमें भी फ्लावरिंग होने लगी है। जितने भी हिबिस्कस प्लांट है सब में अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप देख रहे हैं। और ये मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ था, ये पोटुला का प्लांट, तो इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये बटन फ्लावर है, गोमभोरना जिसे कहते हैं, वो भी ये पिंक वाली वेराइटी है इस, और ये थोड़ी डार्क वाली, दो तीन वेराइटी है इसकी मेरी मेरे पास, तो ये भी अच्छी फ्लावरिंग पे है। कुछ एक अभी भी मेरे प्लांट में जो क्राइसेंथिमम है इसमें फ्लावरिंग हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्लांट है, इसलिए मैं हटाया नहीं है इस प्लांट को, इसकी फ्लावरिंग होने दिया है। ये मेरा अडीनियम का प्लांट है, मैंने इसके साथ आपका वीडियो भी शेयर किया था और इसकी रिपोर्टिंग की थी, जिसमें मेरे थोड़े इसके जो इसकी रूट्स थी वो डैमेज हो गई थी, तो मैंने फिर से इसमें इसका प्रॉपर तरीके से ठीक से इसका इलाज किया था और इसके बाद इसकी रिपोर्टिंग की थी। तो आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं, ये कितनी अच्छी हो रही है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि ये मल्टी पेटल वाला प्लांट है और ये वाला जो सिंगल पेटल वाला है, तो इसमें सारे प्लांट्स में अभी देख रहे हैं अब यहाँ बर्ड्स बन रही हैं इस तरीके से। और ये छोटा सा प्लांट है, इसकी मैंने प्रूनिंग की थी और इसे कटिंग भी लगाई थी, तो इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। तो बस जब इसमें फ्लावरिंग हो तो आप इसे थोड़ा कम पानी दें, मतलब दो तीन दिन के बाद दें, तो ये थोड़ा सूख, अगर इसकी मिट्टी सूख भी जाती है तो भी ये टॉलरेट कर लेता है। तो मेरे से इसमें यही हुआ है कि ज़्यादा पानी हो गया तो ये इसकी जो फ्लावर पेटल हैं बहुत पूरी तरीके से खिल नहीं पाए हैं। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, इसे दो तीन दिन तक पानी नहीं देने वाली हूँ। एक और वेराइटी है ये हिबिस्कस की, यहाँ भी एक एक्जोरा की वेराइटी है और ये सब कॉस्मोस के प्लांट हैं। इसकी पिंचिंग की थी तो आप देख रहे हैं इसकी कितनी सारी न्यू ब्रांचेज निकली हैं और जितनी ब्रांचेज निकलेंगी सब में फ्लावरिंग होगी, तो ये भरा भरा लुक देगा। और ये आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी और पिंचिंग भी की थी, तो आप देख रहे हैं इसमें जीनिया में कितनी सारी ब्रांचेज बन गई हैं। और ये अब फ्लावरिंग पे भी आ गया है, इसमें बर्ड्स बन रही हैं। एक प्लांट में मैंने तीन प्लांट्स लगाए थे एक ही प्लांटर में, तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। और ये जिसकी भी रिपोर्टिंग की थी मैंने, बोगनवेलिया की, येलो बोगनवेलिया की, तो ये भी अच्छे से चल रही है।
इधर मेरे कुछ प्लांट्स हैं, ये हैंगिंग बास्केट में लगाए हैं, पिटूनिया के जो मैक्सिकन पिटूनिया होता है उसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है। ये मेरा रजनीगंधा का प्लांट है और इसमें भी निकलने लगी है। ये लेमन ग्रास का प्लांट है, इसे आप एकदम डायरेक्ट जो सनलाइट है उसमें मत रखिए, इसकी ग्रोथ थोड़ी, इसकी जो लीव्स है वो जलने लगती है, तो इसे मैंने ब्राइट लाइट एरिया में रखा हुआ है जहाँ एक दो घंटे की धूप आती है, तो इसमें अच्छे से ग्रीनरी लुक आ रहा है। और ये येलो एक जूरा है, इसकी कटिंग की थी तो इसमें भी ग्रोथ हो रही है। ये मेरा पीस लिली का प्लांट है, इसमें आप देखें फ्लावरिंग हुई है, ये इस टाइम पे इसमें अच्छी ग्रोथ भी होती है और इसकी फ्लावरिंग भी हो रही होती है। ये मेरा कटिंग से लगाया हुआ ही येलो कलर का फ्लावर वाला है, ये सारे मेरे कटिंग से लगे हुए हैं। और ये भी मेरा कटिंग से ही लगा हुआ प्लांट है और छोटे से बॉटल में ही मैंने लगाया हुआ है इसे, और ये अच्छी फ्लावरिंग पे है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से एयर भी किया था प्लूमेरिया की कटिंग, रेड वाली एंड वाइट वाली, तो सब मेरे अच्छे से चल रहे हैं और आप देख रहे हैं ये न्यू ग्रोथ भी हो रही है। तो ये सारे मैंने कटिंग से ही लगाए हुए थे और इसे मैंने, इसकी जो फ्लावरिंग हो गई थी तो मैंने इसे प्रिंचिंग कर दी है, तो ये अब अपनी फिर से न्यू ब्रांचेस है वो निकाल रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं जितने मेरे पोर्टोलाका के प्लांट थे मैंने सब में पिंचिंग भी की थी, अच्छे से एक खाद वाद डाल दिया था, तो आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं और सब में अब आप देख रहे हैं कलियां बन रही हैं। अब तो इस तरीके से अगर आपका लेगी हो जाता है तो फिर से आप इसे इस तरीके से कट करके किसी दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारे प्लांट्स हैं इसके, तो मैं इसे कट करके भी लगाने वाली नहीं हूँ क्योंकि इसे मैं हैंग करने वाली हूँ, तो ये लटकता हुआ थोड़ा अच्छा दिखेगा। इस क्लांची को भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ था जो अब लास्ट पे है, ये वाली वो इसका अपडेट दे रही हूँ, ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ था, इसकी भी ग्रोथ देख रहे हैं आप। और ये मेरा हाइब्रिड वैरायटी वाला जो प्लांट है जो मैंने सीड से ग्रो किया था, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी ही हो रही है। और इन सब प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग की थी, तो आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं, इसकी कितना ग्रीन लुक आ गया है इस पर, तो जब ये खिलेगा तो पूरा भरा भरा लुक देगा इस तरीके से। इधर भी मैंने कुछ ग्रीन चिली के प्लांट लगाए हुए हैं जो ब्लैक कलर के हैं, इसमें भी बहुत सारी फ्रूटिंग हुई है देख रहे हैं। और ये ब्रिंजल का प्लांट है, इसमें भी एक दो ब्रिंजल लगे हुए हैं, एक दो तो मैंने तोड़ भी लिया है। अभी जितने भी सारे प्लांट्स हैं सब में फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। तो ये बोगेनविलिया का प्लांट है, आप देख रहे हैं इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और इसमें इसकी मैंने थोड़ी प्रूनिंग की थी और इससे अच्छी से रिपोर्टिंग भी कर दी थी। इसके बाद जब ये ग्रोथ पे आया तो मैंने इसमें थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी देना बंद कर दिया। जब आप इसे पानी देना बंद करते हैं तो ये स्ट्रेस में आता है, तब इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। इसमें ये डेड नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ढेर सारे फ्लावरिंग चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है, और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है आप देख रहे हैं भर के। इसमें बहुत छोटा सा ही प्लांट मैंने इसे रखा हुआ है, ट्री का लुक दिया है और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये मैंने जैस्मिन का प्लांट जो बेली चमेली होता है, इसकी भी रिपोर्टिंग मैंने दिखाई हुई थी आपको, और इसमें भी भरकर फूल आए थे और बहुत सारे, आप जितने भी देख रहे हैं इसमें ब्रांचेस सब से फ्लावरिंग हो चुकी है और आप देख रहे हैं कितनी सारी डेड भी हो गई हैं। तो इसमें से जब मैंने इसकी फ्लावरिंग हटाई तो फिर से इसमें न्यू ग्रोथ हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये अभी तो कुछ मैंने फ्लावर तोड़ लिए हैं पूजा के लिए, जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी में ये आप देख रहे हैं न्यू ग्रोथ हो रही है, और इसमें इसकी ग्रोथ देख रहे हैं आप जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी तो। और ये पिंक हिबिस्कस है जो अच्छी ग्रोथ पे है। इस प्लांट पे भी मैंने एक ग्राफ्टिंग की है, ये अलग कलर का फ्लावर है,
पिंक हिबिस्कस है इस पे। इस प्लांट में एक बार अगर आप खाद अच्छे से देते हैं तो ये जब इसका टाइम आता है तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये चमेली का है, जिसे इसका थोड़ा सा साइज छोटा होता है और आप इसकी भी ग्रोथ देख सकते हैं। ये व्हाइट हिबिस्कस का प्लांट है जिसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो अभी जितने भी, चाहे एक्जोरा हो या हिबिस्कस हो, जितने भी प्लांट हैं, चाहे वो सदाबहार के ही हो, सारे में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये तो बहुत खुशबू वाला फ्लावर है। ये पाउडर पफ प्लांट में विच फ्लावरिंग हुई है और ये आप कॉस्मोस देख सकते हैं। इसमें जो सीड पॉड बनते हैं, कहीं भी आप इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे ये जो है, तो इसमें से जो जब इसकी आप ये छोड़ देते हैं तो इसमें ब्लैक कलर का सीड निकलता है, तो आप कहीं भी इसे स्प्रेड कर देंगे तो ये उगाता है। तो मैं इसी तरीके से बहुत सारी जगह लगाया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कर बताइए कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।